नमस्कार, मैं आपका रविंदर सैनी। आप एक मैसेज व्हाट्सएप पर लगातार देख रहे होंगे कि आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल की जो कंपनी है उन्हें पोर्ट का सिम भेजिए, मतलब पोर्ट का पोर्ट अपने नंबर से पोर्ट का मैसेज भेजिए। सॉरी, तो मैसेज भेजने का मतलब क्या है? अब नया एक्ट लागू हुआ है, न्यू एक्ट है टेलीकम्युनिकेशन 2023। इस नए कानून के दायरे में रहकर आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप कोई गद्दारी करते हैं, यानी कि सिम ज्यादा अधिक लेते हैं, आपको जुर्माना 2 लाख तक का हो सकता है, और फिर भी नहीं अगर मानते हैं आप, तो आपको जेल भी हो सकती है। यह सूचना, यह वीडियो हर एक आदमी के पास जानी चाहिए, आम आदमी तक यह जानकारी होनी चाहिए। अब पहले की तरह जियो में, वोडाफोन से जियो में पोर्ट नहीं करा सकते, आइडिया से वोडाफोन में पोर्ट नहीं करा सकते, जियो से एयरटेल में पोर्ट नहीं करा सकते। अब ये रूल खत्म हुए होंगे तो किस हिसाब से होंगे, मैं ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको दूंगा। देखिए, अगर अब आप कोई सिम दूसरी कंपनी में पोर्ट कराते हैं तो पहले आपको 7 दिन का इंतजार करना पड़ेगा, और 7 दिन के इंतजार के बाद आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन होने के बाद ओटीपी वेरिफिकेशन होगा, फिर कंपनी आपको अनुमति देगी जब आपका सिम पोर्ट होगा। इसी मामले को देखते हुए जब उन्होंने सिस्टम कानून का देखा तो उन्होंने, मतलब ये कंपनी है प्राइवेट, इन्होंने रिचार्ज कर दिया महंगा माध्यम से, वो सरकार के माध्यम से नहीं, अपने माध्यम से फीस चार्ज बढ़ाते हैं। जैसे मान लिया मैंने अपना स्कूल खोला तो मैं अपने अपने हिसाब से फीस चार्ज रखूंगा, उसी प्रकार से इन्होंने रिचार्ज बढ़ा दिया। बीएसएनएल का जो रिचार्ज है वो सस्ता है, वो किस लिए सस्ता है? क्योंकि वो सरकार की कंपनी है, जैसे सरकारी स्कूल। अब हम ये, पहले तो हमें ये लत लगा दी जियो ने, एयरटेल ने, वोडाफोन ने, और सबसे ज्यादा जियो ने, अब हम उस लत को छोड़ तो सकते नहीं। अब इनमें कुछ रूल जो कानून के दायरे में हुए वो आपको बताता हूं, महत्वपूर्ण जानकारी, आम आदमी को ये जानकारी होनी चाहिए। हाँ, हमने विषय कहां रखा था कि अब एकदम से पोर्ट नहीं करवा सकते, सिम पोर्ट नहीं करवा सकते, 7 दिन का वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद कुछ जगह थी, जैसे रेल मार्ग या कहीं पहाड़ी क्षेत्र में हम बस से ट्रेवल करते थे तो वहां समस्या का समाधान नहीं था, वहां नेटवर्क इशू हो जाते थे, उस समस्या का समाधान करने के लिए अब सरकार काम कर रही है। दूसरा, कब इस कानून में एक नियम और पारित हुआ है कि अगर कोई कंपनी आइडिया, वोडाफोन या जियो, अगर आपकी छत हो या घर हो, कह रही है कि यहां टावर लगाना है, तो टावर लगाएगी भले ही पैसे दे या ना दे, वो आपकी मर्जी है, उनकी मर्जी, लेकिन टावर लगाएगी, ये सरकार की तरफ से आदेश है। और क्या क्या आदेश हुए देखिए, मैं लिखकर लेकर आया हूं। दूसरा, पहले व्हाट्सएप पर आपातकालीन मैसेज नहीं जाते थे सरकार के, अब मैसेज जा सकते हैं। दूसरा, आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी मैसेज अगर चाहे तो गवर्नमेंट पढ़ सकती है, कभी भी बंद करा सकती है, ये सब सिस्टम गवर्नमेंट के हाथ में हो गया है। लेकिन उन्हें जिस पर संदेह होगा, ये सब काम क्यों हो रहे हैं? क्योंकि साइबर क्राइम बहुत तेजी से चल रहा है, किसी को ब्लॉक किया, व्हाट्सएप पे बात करी लोन के मामले में या किसी तरीके से कि हम फोन से लोन दे रहे हैं, आधार कार्ड से लोन दे रहे हैं, और आपको ब्लैकमेल किया और आपसे, आम आदमी से रुपए ठगे जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है लगातार। देखिए, साइबर क्राइम इतना फैल चुका था कि आपको ब्लैकमेल किया किसी हिसाब से, तो इस नियम में यह भी है कि अब कोई भी कंपनी आपके नंबर पर एकदम से कॉल नहीं दे सकती। अगर जैसे पहले के आप यहां से दवाई ले जाइए, ये चीज सस्ती है, यहां से ले जाइए, हमारे यहां से ले जाइए, प्रचार प्रशासन की भी आपके फोन पर अनुमति नहीं होगी जब तक आप खुद अनुमति, एक बार कोड या ओटीपी दे, उस हिसाब से वो ऑन ऑफ करने की अनुमति जब आप देंगे, जब भी फोन आ सकता है, जैसे SMM के नाम से फोन आया या किसी, ये चीज अब नहीं हो सकती। तो ये कई चीज की नई शुरुआत हुई है। और देखिए, अब जियो ने और वोडाफोन एयरटेल ने, इन्होंने रिचार्ज कर दिए महंगे, बीएसएनएल का सस्ता है तो बीएसएनएल का ही चलाना पड़ेगा। कोई नहीं, अगली वीडियो में मिलते हैं। ये जानकारी आम जनता तक पहुंचनी चाहिए, हर एक व्यक्ति तक ये
जानकारी पहुंचनी चाहिए। जानकारी कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताइए, और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। मैं आपका रविंद्र सिंह।